Subscribe the mobile safe videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो द मोबाइल ऐप की वीडियो। आज आपको मैं बताऊंगा ओप्पो K1 के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस हमेशा अपलोड करता रहता हूं। और अब यहां तक आप आ ही गए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चाइना की कंपनी ओप्पो K1 जल्दी ही भारत में अपना फ़ोन K1 रिलीज करने वाली है। यह फ़ोन आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर मिलेगा। कंपनी ने इस फ़ोन की कीमत 16,990 रुपये रखी है, जो कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है। नीचे गए लिंक से आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस फ़ोन में 4GB रैम है और वहीं 64GB की इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है। अगर आप इस फ़ोन की मेमोरी को बढ़ाना चाहते हो तो 256GB तक बढ़ा सकते हो एक्सटर्नल कार्ड की मदद से। इस फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि 6.41 इंच का है। इसके साथ ही आपको इस डिस्प्ले में एक वाटर नोच भी मिलेगी, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। दोस्तों, आपको इस फ़ोन के बारे में एक बता दूं कि यह फ़ोन पिछले साल अक्टूबर में चाइना में रिलीज़ किया गया था, और यह वहाँ पर दो वेरिएंट में रिलीज़ किया था, 4GB रैम और 6GB रैम के साथ। 4GB रैम वाले चाइनीज मॉडल की कीमत थी 16,990 रुपये और 6GB रैम वाले फ़ोन की कीमत थी 19,990 रुपये। इस फ़ोन में आपको ड्यूअल रियर कैमरा मिलेगा। एक कैमरा है 16 मेगापिक्सल का और वहीं दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोनों मिलकर काफ़ी अच्छी और बढ़िया फ़ोटो लेते हैं। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, इसमें सेल्फ़ी लेने के लिए 25 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि लो लाइट में भी बढ़िया आपकी सेल्फ़ी लेगा। अगर आप सेल्फ़ी के शौकीन हो तो यह फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस फ़ोन में 3600mAh की बैटरी है, लेकिन इसमें एक कमी दी गई है कि इसको चार्ज करने के लिए इसमें कोई भी फास्ट चार्जर नहीं है, इसमें एक नॉर्मल चार्जर आपको मिलेगा। अगर आपको चार्जिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको आराम से ले सकते हो, वैसे भी कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है। अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो यह फ़ोन आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें गेमिंग के लिए आपको दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टा कोर, जो कि 1.95 GHz प्रोसेसर के साथ काम करता है। यह प्रोसेसर एक पावरफुल प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के साथ आप बढ़िया तरीके से गेम खेल सकते हो। इसमें गेम खेलने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो नीचे जाकर फटाफट सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दें। इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो मिलेगा, और इस फ़ोन में एक बढ़िया ये बात है कि आपको ईयरफोन भी मिल रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ही कम फ़ोनों के साथ आते हैं। दोस्तों, आपको इस फ़ोन के बारे में एक बढ़िया बात बता दूं, वो ये कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, और इस फ़ोन की क्वालिटी एकदम प्रीमियम है, और पीछे से भी इसमें पॉलीकार्बोनेट की फिनिशिंग है, जो कि ग्लास टच के साथ है। यह फ़ोन देखने में काफ़ी बेहतरीन और एक प्रीमियम लुक देता है, और आप थोड़ा अमीर भी फील करोगे। ओवरऑल यह फ़ोन एक बढ़िया फ़ोन है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा आपको, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 660 है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, और इसके साथ ही सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा।